सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका इन माई न्यू क्लासरूम। और आजकल हम स्टडी कर रहे हैं लॉर्ड स्प्रिंग बाई अनीस जंग, एंड वी आर स्टडिंग लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकेंड स्टोरी, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। लेट्स सी वट हैज़ हैपन्ड सो फार। बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू से, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई कमिंग वीडियोज। दोज आर वेरी यूजफुल फॉर यू। आई एम कमिंग वन बाई वन फॉर ऑल लेसन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पर। सेकंड वीडियो है ये मेरा। लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपन्ड सो फार इन द स्टोरी। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज एज इट्स राइटर स्टाइल दैट शी लाइक्स टू मीट हिज कैरेक्टर्स। तो वो मुकेश से मिलती है, राइटर मीट्स मुकेश हु टोल्ड हर दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मकैनिक। तो वो उससे पूछती है पलट के, डू यू नो अबाउट कार्स, कि यू आर saying and you are working in Firozabad in bangle making industry। तो वो बोलता है कि मैं सीखूँगा, है ना। तो राइटर हमें बताना चाहती है, हमें एक प्लाइट कंडीशन दिखाती है कि कैसे 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद एंड इवन देयर फैमिली मेम्बर्स डू नॉट नो दैट इट इज़ अ क्राइम टू सेंड दीज चिल्ड्रन नॉट टू स्कूल बट टू दिस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। दे आर फोर्स टू वर्क इन हाई टेम्परेचर फर्नेसिस इन डिंगी सेल्स विदाउट वाटर एंड विदाउट प्रॉपर एयर। और इन स्पाइट ऑफ दिस जो है हिज फादर, है ना, सो दे आर सो पॉवर्टी रिडन दैट हिज फादर थ्रू आउट हिज लाइफ ईयर्स इज अनेबल टू रेनोवेट हिज हाउस। सो वैन शी गोज टू विजिट मुकेशिज house, she sees that it is their lanes are stinking, chalked everywhere, it's foul smell, their houses are crowded and coexistence. She also observes that animal and humans are living in these sheds. Or Mukesh's bhabhi is there sitting cooking for evening meal there, chopping vegetable for them, and her eyes are filled with smoke. She sees and she respected as bahu. Or wo dekhti hai ki elder aadmi jab aata hai us ghar ka bada, to wo apne wheel karti hai, ghungat karti hai. तो एल्डर भी कौन है वो और कुछ नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सका है, पूरी ज़िंदगी उसने बिता दी है बैंगल मेकिंग में ही, और जो अपना घर भी रेनोवेट नहीं कर सका है, और जो जानता है तो क्या जानता है, सिर्फ बैंगल मेकिंग। और इसी आर्ट को वो अपने बच्चों में आगे देना चाह रहा है, यानी ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन ये कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर मुकेश जो है उस ट्रेडिशन को ब्रेक करना चाहता है, मुकेश वॉन्ट्स टू ब्रेक दिस लीनेज ना। ग्रैंड मदर भी कहती है कि दिस इज़ आवर कर्म, दिस इज़ आवर डेस्टिनी। उसकी ग्रैंड मदर हुज हस्बैंड हैड गॉन ब्लाइंड पॉलिशिंग द ग्लास आस्क्स कैन ए गॉड गिवन लीनेज बी ब्रोकन। वो उससे पूछती है कि क्या इस परंपरा को, भगवान की इस देन को कोई तोड़ सकता है, हमें इससे बाहर निकाल सकता है। राइटर देखती है कि उसके घर में, घर के बाहर, आंगन में, देर इज एवरीवेयर, एवरी इंच इज फिल्ड विद हीप्स ऑफ बैंगल्स विच आर रेडी टू बी सप्लाइड इन मार्केट एंड दोज आर ऑफ रेनबो कलर्स, ऑल कलर्स, बट एक्चुअली देयर इज नो कलर इन देयर लाइफ, दे आर कलरलेस, देयर लाइफ इज वाइट एंड ब्लैक। तो शी सीज एवरीवेयर माउंट्स इन यार्ड्स ऑफ दीज बैंगल्स, शी सीज फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स ऑल्सो पोस्ड बाई मैन एंड शी सीज दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग बिफोर फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स वेल्डिंग दीज बैंगल्स, है ना, एंड देयर आइज आर एडजस्टेड टू डार्क दैट दे गो ब्लाइंड बिफोर दे बिकम एडल्ट। शी सीज सविता ए यंग गर्ल, अनमेरिड गर्ल, पिंक ड्रैग साड़ी में है, सिटिंग विद एल्डर वुमेन हु इज़ वेरी स्किल्ड एंड राइटर आस्क्स कि वो बैंगल तो बना रही है, क्या वो इन बैंगल्स की सेंटिटी जानती है। और वो एल्डरली वुमेन भी देखती है कि उसकी
कलाइयों में चूड़ियां हैं, लेकिन क्या उसकी लाइफ में कोई ब्राइटनेस है? वो चूड़ियां ब्राइट हैं लेकिन एक्चुअली उसकी आंखों में कोई ब्राइटनेस नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी। इट सिंबलाइजेज एज इंडियन वुमन सुहाग। ये जो प्रतीक है भारतीय महिला के लिए, उसके पति की निशानी है, उसके सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड एंड हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। एक दिन तब उसे पता लगेगा जब इसके हाथ में इसे डाला जाएगा, मेहंदी लगाई जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और उसे दुल्हन जब वो बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिजाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि ये जो उसके साथ बैठी हैं एक बूढ़ी महिला, जिस इसके साथ जो वर्षों पहले हुआ था, ऐसे ही इसके साथ भी होगा। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। यहाँ पर देखिए आप कि उसकी कंट्रास्ट देखिए आप कि शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, कि उसकी जो कलाई पर तो चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूड़ियों की चमक और आंखों की चमक में कंट्रास्ट दिखाया है। चूड़ियों में चमक है, चूड़ियों पर उन्होंने काम किया है, लेकिन उनकी आंखें जो हैं, आंखों में वो ब्राइटनेस नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यहाँ पर देखिए आप ये यूज़ किया है कि वो कह रही है, शी सेज इन ए वॉयस ड्रेंड ऑफ जॉय, उसमें बिल्कुल भी खुशी आनंद नहीं है, और वो कह रही है कि हमने ज़िंदगी में कभी भरपेट खाना भी नहीं खाया, ये बैंगल मेकिंग करते करते हमने ये जो है कमाया है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और ये हमने जो है कमाया है, ये हमने जो है इसमें से रीप किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड वर्ड है ये, देखिए इसका प्रोनंसिएशन आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है फोनेटिक सिंबल होते हैं। तो ये भी आपको, अगर आपने प्रॉपर प्रोनंसिएशन यू वांट टू लर्न, यू हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट फोनेटिक सिंबल्स ऑल्सो, तो इसलिए हमने ये लिखा है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं जो कर पाया सारी ज़िंदगी, उसकी जो दाढ़ी है और बड़ी हुई है, और वो कह रहा है कि मैं जो कर पाया हूँ वो ये घर है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, और वो ऐसे बताता है, बड़े गर्व से बताता है कि जैसे उसने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। उसकी सोच का पता लगता है इससे कि एक ये टूटा फूटा मकान बनाना भी जो है इस लेन में, जो कि फॉल स्मेल वाली है, चारों तरफ गंदगी है और दीवारें, और इवन जो रूफ़ है वो भी जो है ड्राई ग्रास की बनी हुई है, तो वो गर्व से कहता है कि हमारे ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स एंड लिटल हैज़ मूड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। समय जो है वहाँ पर 20-30 ईयर्स जनरेशन टू जनरेशन वही सब, नो चेंज। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, कि दिमाग को भी जो है नम कर देने वाली मेहनत के बावजूद भी अनसेंसिबल सा माइंड हो जाता है, इतनी मेहनत कर करके भी, कि टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव। हम कोई भी पहलकदमी या कोई भी इनिशिएट नहीं ले सकते कि कैसे हम इससे बाहर निकलें। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और हम कुछ सोच भी नहीं सकते किसी और बाहर जाने की या कुछ और करने की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, यहाँ पर आप देखिए राइटर ने एक बार फिर से जो है नरेटर ने अनीश जुंग ने सवाल उठाया है कि अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते हो आप। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो मिडल मैन हैं, बिचौलिए हैं, जो एजेंट हैं, उनके भंवर में जो फंसे हुए हैं, विशियस सर्कल का है, दुष्चक्र में जो उनके फंसे हुए हैं। यंग मैन से बात कर रही है कि आप जो है कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समूह क्यों नहीं बना लेते हो, ताकि गवर्नमेंट से, बैंक से लोन मिल सके और आप आगे बढ़ सकें। हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, और उनके बाप दादों को जो है इन एजेंट्स ने जो है अपने चंगुल में फंसाए रखा है।
इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अरे आप क्या बात करती हैं, हमने अगर ऐसा सोचा भी सही तो ऑर्गेनाइज होने की हमने सोची भी सही तो पुलिस जो है हमें जो है पुल और हमें ड्रैग करके जो है किसी भी इलीगल गैर कानूनी काम में हमें अंदर वो करवा सकते हैं देश से। उनका ये कहना है राइटर के ये पूछने पर कि आप कोई जो है सोसाइटी क्यों नहीं बनाते, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि वो बताती है कि उनके बीच कोई ऐसा नेता भी नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम, और कोई ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। यहाँ पर आप, मैं एक बार फिर से बताऊँगा कि अनीस जंग जो है अपनी अपनी पेन के माध्यम से जो है अपनी उनकी आवाज़ जो है उठा रही है, जहाँ पर उनकी हेल्प को कोई नहीं आ रहा है तो अनीस जंग आना चाह रही है आगे। सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके और उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख सके। देयर फैमिलीज आर एज टायर्ड एज दे आर, उनका पूरा परिवार उन्हीं की तरह थका हुआ है, हिम्मत हारा हुआ है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल वो दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, तो ये सब जुड़ा है, वो इसी की बात करते हैं, ये सब हताश हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, यहाँ पर नरेटर जो है महसूस करती है कि दो संसार में देखे, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पावर्टी बर्डनड द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स द मिडलमैन द पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो एक तरफ ये साहूकार हैं, मिडलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, और ये लॉयर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और दूसरी तरफ है ये परिवार हैं जो कि गरीबी में जो है, और उनको जो कास्ट का बिल्कुल भी डिसऑनर जिन्हें किया जाता है, उनमें वो पैदा हुए हैं, बस उन्हीं में घुटकर जिन्हें रहना पड़ता है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और ये सब जो हैं साहूकार लोग जो हैं उन्होंने मिलकर ये जो नेक्सस बनाया हुआ है, हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन, उनकी पीठ पर ये लाद दिया है कि जिन्हें वो उतार भी नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हीज़ फादर, इससे पहले कि उसे पता भी लगे कि ये सब क्या होता है, वो उसको अपने पिता की तरह ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये नेक्सस का दिखाया है, जो नरेटर है वो एक आवाज़ उठा रही है कि इनके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जानी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ करना है तो उनके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, यहाँ पर जो है एक आशावाद ऑप्टिमिस्टिक जो नरेटर है वो दिखाया है कि मुकेश की आँखों में वो डेयर है, वो चमक है, वो आग है, वो जो राइटर है वो देखती है और उसे खुशी है, वो चीयर्ड होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मकैनिक, यहाँ पर उसके वर्ड यूज़ किए हैं, ऑप्टिमिज्म आया है यहाँ पर, मुकेश में भी है, राइटर में तो है ही है। तो आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मकैनिक, मैं जो हूँ मोटर मकैनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और वहाँ सीखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकेश ऑप्टिमिस्ट है कि वो अपने पिता दादा के इस कारोबार को छोड़ पाएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आँखों की रोशनी तक मेरे पापा की जो है चली गई। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, तो राइटर जो कहती है कि वो तो घर से बहुत दूर है, तो वो रिप्लाई करता है आई विल वॉक, यहाँ पर फिर से एक डिटर्मिनेशन मुकेश का दिखाया है कि वो रियल में जो है उसमें डेयर कर रहा है, वो निकलना चाहता है इससे, वो हिम्मत करेगा। तो यहाँ पर जो है एक लाइट जो है वो दिखाना चाह रही है उनकी अंधेरी ज़िंदगी में, बस चूड़ियाँ ही चमकदार हैं, वरना उनकी आँखें भी में भी चमक नहीं है, उनकी ज़िंदगी में भी लाइट नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुकेश जो है एक दिए की तरह जो है आ रहा है, उसमें इग्नाइट कर रही है उसको वो। ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो तुम मोटर मकैनिक बनना चाहते हो तो मुझे ये बताओ, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, कि तुम कभी जहाज़ उड़ाने की भी सोचते हो। ही सडनली साइलेंट, ये सवाल सुन के वो चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर ही देखता है। यहाँ पर भी देखिए जो है
बड़ा अच्छा एक उदाहरण यूज़ किया है कि जो पीपल ऑफ फिरोजाबाद जो हैं वो ज़्यादा ऊंचे सपने तो नहीं देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है ग्राउंड पर वो रहना चाहते हैं। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कास्ट दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो उन दौड़ती हुई कारों को जो जिन्हें नित्य प्रति देखता है, धूल उड़ाती हुई तेज गति से जो उसकी टाउन से गुजरती हैं, तो उसमें आया है कि मैं भी मोटर मैकेनिक बनूंगा। और यहाँ पर देखिए, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के आसमान में बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। ये आसमान कौन सा है? ये आसमान है मुकेश जैसे बच्चों के सपनों का आसमान, जहाँ पर हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं, जहाँ पर सिर्फ मुकेश का एक सपना है। वो ज़मीन पर रहना चाहता है, वो कार पर कार का काम सीखना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो ग्राउंड पर रहना चाहते हैं, वे ज़्यादा उड़ते नहीं हैं। यहाँ पर जो है हाइपरबोल यूज़ किया है कि फिरोजाबाद के आसमान में जहाज जो है बहुत कम उड़ते हैं, फिरोजाबाद के लोगों के जो सोच है, जो सपने हैं, वो इतने ऊंचे नहीं हैं, वे सिर्फ कार मोटर मैकेनिक ही बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइटर ये मैसेज दे रही है। सो दिस वाज द लेसन लो स्प्रिंग बाय अनिस जोंग। सेकंड स्टोरी ऑफ दिस लेसन, आई वांट टू ड्राइव ए कार, वी हैव गोन थ्रू लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। आई एम कमिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। यू क्लिक दिस लिंक, दिस विल टेक यू टू माई वीडियो ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।